जैक वॉलेज नाम का एक व्यक्ति हुआ है जिसने एक सेंटेंस कहा है, एक कोटेशन कहा है, इफ यू डू नॉट हैव ए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज डू नॉट कम्पीट। अगर आप में कुछ खास बात नहीं है तो मार्केट में आओ ही मत, कॉम्पिटिशन के तुम लायक नहीं हो। यू मस्ट हैव सर्टेन कोर कॉम्पिटेंस विद इन यू विच कैन नॉट बी इमिटेटेड बाय अदर, विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय अदर। वो चाहे तो भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो फिर कॉम्पिटिशन में आप दूसरों से कदम आगे रहोगे, क्योंकि वो चीज आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। कौन कह रहा है ये? जैक वॉल। तो अब ये हो सकता है सेंटेंस सवाल के तौर पर, एमसीक्यू में चार नाम हो, तो तीसरा नाम कौन आ गया? जैक वॉलेज। चैप्टर नंबर वन पहली बात क्रिस्टेंसन, किसकी बात करता है? बिजनेस पॉलिसी। नंबर टू, चैप्टर नंबर टू कोर कॉम्पिटेंस की बात करता है, सीके प्रहलाद और गैरी हेमल, और साथ साथ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की बात कौन करता है? जैक वॉलेज करता है। मैं सब एमसीक्यू बता रहा हूं आपको, बस इस तरीके से तैयारी कर ली आप आओगे। एसएमएसएम में 40 नंबर ला सकते हैं, बट ये तो टेक्निकल है, कईयों के लिए हो सकता है मुश्किल हो जाए, लेकिन इसमें तो कर सकते हो आप। तो फोकस इस पे भी दिया जाए तो स्कोरिंग करना मुश्किल नहीं हो सकता है आपके लिए।